हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मुंबई में भारी बारिश से जगह जगह जलजमाव, लोकल ठप, दफ्तरों को बंद रखने के आदेश। मुंबई में सोमवार रात से ही हो रही भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया है। अरब सागर के ऊपर मानसून के सक्रिय होने से सोमवार को बारिश हुई और भारतीय मानसून विज्ञान विभाग ने मुंबई और उसके उपनगरीय क्षेत्रों में अगले दो दिनों तक भारी बारिश होने की चेतावनी जाहिर की है। शहर के लोगों को अगले दो दिनों तक घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए मंगलवार और बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जल भराव और यातायात बाधित होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी ने रत्नागिरी के लिए मंगलवार और पालघर के लिए बुधवार को रेड अलर्ट जारी किया है। शहर और उपनगरों में सोमवार को दिन में धूप के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन कुछ इलाकों में रुक रुक कर तेज बारिश के साथ शाम से हल्की से मध्यम बारिश होने लगी। आईएमडी के पश्चिमी क्षेत्र के उप महानिदेशक केसर होस्लियर ने कहा कि मुंबई सहित कोंकण तट पर सक्रिय मानसून सोमवार शाम से शुरू हुआ और इसके गुरुवार तक जारी रहने की उम्मीद है। मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव बनने के कारण मंगलवार और बुधवार को तीव्र बारिश की संभावना है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने कहा कि पश्चिमी लाइन पूरी तरह से बंद हो गई है और कुर्ला और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बीच बंदरगाह लाइन बंद हो गई है। वहीं केंद्र लाइन धीमी गति से चल रही है। इसके अलावा मुंबई शहर और उपनगरों के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 8 मार्गों पर BEST बस सेवाओं को डायवर्ट कर दिया गया है। मुंबई में भारी बारिश की वजह से सेंट्रल लाइन धीरे धीरे चल रही है। हर्बल लाइन पर रेल यातायात कुर्ला CSMT के बीच रुक गया है। वहीं बारिश के कारण 4 लाइनों पर यातायात रुक गया है। इसके अलावा BMC ने सभी कार्यालयों और अन्य प्रतिष्ठानों से भारी बारिश के पूर्वानुमान के मद्देनजर आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी को आज बंद रखने की अपील की है। भारी बारिश की वजह से सांता क्रूज, परेल, महालक्ष्मी, मीरा रोड, कोलाबा डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। इसी बीच वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर पहाड़ी का एक हिस्सा गिर गया। गनीमत ये रही कि इसे किसी को नुकसान नहीं हुआ। इस बीच बृहन मुंबई नगर निगम ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा गया है। नगर निगम के अस्थायी रूप से स्थापित 299 पंपिंग मशीनों पर फायर ब्रिगेड, पंपिंग स्टेशन पर ऑपरेटिंग स्टाफ को अलर्ट पर रखा है। बारिश की वजह से मीठी नदी का जल स्तर बढ़ने पर अधिकारियों को लोगों को बाहर निकालने की स्थिति के लिए अलर्ट पर रखा गया है। बृहन मुंबई नगर निगम ने कहा कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समुद्र तटों और अन्य निचले इलाकों के पास ना जाएं, क्योंकि मुंबई में मंगलवार दोपहर 12:47 पर 4.51 मीटर उच्च ज्वार हाईटाइड की उम्मीद है। शहर में लगातार वर्षा के बाद मुंबई के विभिन्न हिस्सों में जल भराव हो गया है। नगर निगम के अनुसार मुंबई शहर में पिछले 10 घंटों में 230 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। मुंबई से जागरूक टीवी के लिए खास रिपोर्ट।